हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। बच्चों, ये वीडियो पूरी तरीके से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए समर्पित है। ये उनकी सारी समस्याओं के हल के लिए बनाया है मैंने इस वीडियो को। बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि जब से ये नीट हो चुका है, उसके बाद से स्टेट बोर्ड के बच्चे या हिंदी मीडियम बोर्ड के बच्चों का नीट में या जेई में सिलेक्शन होना लगभग नामुमकिन हो चुका है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाकर देख लो, वहां पर स्टेट बोर्ड के बच्चे या हिंदी मीडियम बोर्ड के बच्चे less than 5% आ रहे हैं। मीन्स 95% केवल सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम बोर्ड के बच्चे आ रहे हैं, और हिंदी मीडियम बच्चे जो भी हैं वो less than 5% हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं, और आप लोग जानते हो कि क्या सारे पूरे इंडिया में ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों का इंग्लिश मीडियम पढ़ पाना पॉसिबल है? ये नामुमकिन है। और आपके ये शिक्षा का ट्रेंड हो चुका है कि पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम बोर्ड के बच्चे ही उस पर कब्जा किए जा रहे हैं, हायर शिक्षा पर, और हिंदी मीडियम के बच्चे या स्टेट बोर्ड के बच्चों का उस पर लगभग पकड़ नामुमकिन हो चुकी है। उसका रीजन ये है कि अपना जब हिंदी मीडियम बोर्ड का बच्चा पढ़ाई करता है तो पूरा 1 से लेकर 12 तक, कक्षा 12 तक वो केवल हिंदी की किताबें पढ़ता है। और जब उसको आगे हायर शिक्षा लेनी होती है, कोई कंपटीशन बीट करना होता है, तो वहां पर उसको इंग्लिश फेस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हिंदी से इंग्लिश में चेंज होना लगभग उसके लिए ये चीज नामुमकिन हो जाता है। चेंज करता भी है अपने आप को पढ़ने के लिए, तो वो इन इंग्लिश मीडियम बच्चों की बराबरी नहीं कर पाता है और वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि IAS ये इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, इसकी तैयारी हिंदी मीडियम में और अंग्रेजी मीडियम दोनों माध्यम में होती है। जब इसकी तैयारी हिंदी माध्यम में हो सकती है, PCS की तैयारी दोनों माध्यम में हो सकती है, हिंदी में भी होती है, अंग्रेजी में भी होती है, SSC, बैंक, रेलवे, TGT, PGT या ऑल इंडिया के वन डे एग्जाम्स हिंदी, अंग्रेजी या सारे लैंग्वेज में हो सकती है, और तो IIT JEE की तैयारी क्यों नहीं हो सकती है? हिंदी माध्यम का बच्चा हमारा सारे एग्जाम्स को क्रैक करता है, तो IIT और JEE या नीट के एग्जाम्स क्यों नहीं क्रैक कर सकता है? क्यों? क्योंकि हमने एक ट्रेंड बना लिया है, हमें विश्वास ही नहीं होता है कि हम हिंदी माध्यम में इनकी भी तैयारी कर सकते हैं, और अंत में हम इंग्लिश की तरफ जाते हैं। और क्या होता है कि हमारे साथ वही धोखा हो जाता है कि हम उनका बराबर ही नहीं कर सकते अंग्रेजी माध्यम वालों का। तो हमें अगर आगे बढ़ना है, JEE नीट क्रैक करनी है, तो हमको हिंदी माध्यम चूज करना पड़ेगा तैयारी के लिए। लेकिन अभी कुछ लोग के दिमाग में ये कीड़ा काटता रहता है कि आगे तो आपको अंग्रेजी पढ़ना है, तब इंटर के बाद ही क्यों नहीं अंग्रेजी शुरू कर देते हो? JEE आपको अंग्रेजी में पढ़ना है, डॉक्टर आपको अंग्रेजी में बनना है, इंजीनियर आपको अंग्रेजी में बनना है, तब तैयारी क्यों नहीं अंग्रेजी माध्यम में करते हो? केवल एक इंट्रेंस क्वालिफाई करना है ना हिंदी माध्यम में, बाकी आप तो कर ले जाओगे यार। क्यों इस थिंकिंग पढ़े हो लोगों की, इन बातों में पढ़े हो कि बिना इंग्लिश के आप पढ़ नहीं सकते हो? अंग्रेजी आपके पास सब्जेक्ट है, अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा आप सीख सकते हो, डॉक्टर भी बन जाओगे, इंजीनियर भी बन जाओगे आप अंग्रेजी पढ़ करके। लेकिन आप इंट्रेंस तो पहले क्वालिफाई करो, आप माध्यम चेंज करते हो अंग्रेजी माध्यम के लिए, शुरू से ही जो आप बने ही नहीं हो डॉक्टर, उसकी तैयारी आप शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम में डॉक्टरी करोगे? पहले आप हिंदी माध्यम इंट्रेंस तो क्वालिफाई कर लो, उसके बाद तैयारी तो आप करें, आप डॉक्टर तो बन ही जाओगे पढ़ करके, कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चों, 1 month की दिक्कत होती है शुरुआत में डॉक्टरी की पढ़ाई करने में, केवल 1 month की दिक्कत होती है आपको जब कुछ चीजें चेंज करनी होती है बस, केवल। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। बहुत से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं हिंदी माध्यम में, इंजीनियर्स भी बने हैं, डॉक्टर भी बने हैं। क्या पहले नहीं पढ़ते थे? पढ़ाई करते थे, अभी आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, बट आप पहले एंट्रेंस तो क्वालिफाई कर लो यार। एंट्रेंस ही नहीं क्वालिफाई कर पाओगे अंग्रेजी के चक्कर में, क्या ऐसे ही डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे? तो बच्चों, हिंदी पर बिलीव करो, जो आपका स्ट्रांगेस्ट पॉइंट है, जितना आप हिंदी माध्यम में समझ सकते हो अंग्रेजी में कभी नहीं समझ सकते हो। इवन जो बच्चे जाते हैं अंग्रेजी माध्यम में तैयारी करने के लिए, स्पेशली उनके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, तब वो 2 महीने अपनी लैंग्वेज चेंज करते हैं। क्यों आप करते हो इन चीजों में मेहनत करते हो? आप हिंदी मेहनत करो। मीन्स अगर नीट की बात की जाए तो नीट में बच्चा और हिंदी मीडियम बच्चा है तो 5 से 6 साल तैयारी करता है इंग्लिश मीडियम बच्चों की बराबरी करने के लिए, और वही इंग्लिश मीडियम का बच्चा वो तुरंत 2 साल तैयारी करके सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर JEE की बात की जाए
तो जेई में या उसमें आईआईटी जेई में केवल इंटर के बाद एक अटेम्प्ट देता है, वहां पर तो अपना हिंदी मीडियम बच्चा कन्वर्ज ही नहीं हो पाता है, तैयार करने को उसको मौका ही नहीं मिल पाता, जब तक वो समझता तब तक उसके अटेम्प्ट खत्म हो चुके होते हैं। तो जेई और आईआईटी में तो इम्पॉसिबल हो चुका है हिंदी मीडियम के बच्चों का जाना। नीट में थोड़े बहुत 5% बच्चे भी जा रहे हैं, बट जेई में वल्ली एंड वल्ली इंग्लिश मीडियम के बच्चे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये बहुत बैड इम्पैक्ट है हमारे समाज के लिए। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम उन बच्चों का भी ध्यान दें जो कि हिंदी मीडियम के बच्चे आगे बढ़ें। तो बच्चों इसलिए मैं लेकर के आया हूँ अपने इस चैनल पर हिंदी मीडियम के बच्चों को। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम के तरीके से ही हिंदी मीडियम में ही तैयारी करने के माध्यम उपलब्ध हो जाए तो वो भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का बच्चा कहीं ना कहीं इतने ज्यादा रिसोर्सेस मटेरियल तैयारी करने के लिए अवेलेबल है, वो 11 से ही फाउंडेशन करना शुरू कर देता है और फाइनली सिलेक्ट हो जाता है। बट हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा 11 12 तो हिंदी पढ़ता है, उसके बाद इंग्लिश पढ़ेगा, कहाँ से कर पाएगा बराबरी। अगर आप उल्टा कर दीजिए, हिंदी मीडियम की तैयारी सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कर दीजिए, क्या कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा सिलेक्ट हो पाएगा? उसकी हिंदी मीडियम के बच्चे जैसा हाल हो जाएगा इंग्लिश मीडियम के बच्चे का। हिंदी मीडियम बच्चों को चाहिए कि वो केवल और केवल अपने मीडियम में ही प्रिपरेशन करें, चाहे आईआईटी की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें। उनको उन्हीं के माध्यम में अगर हमको इनको नीट और आईआईटी बच्चों को क्रैक कराना है स्टेट बोर्ड के या हिंदी मीडियम बच्चों को, हमको हिंदी मीडियम में ही कोचिंग अवेलेबल करानी पड़ेगी बच्चों को सिलेक्शन के लिए। आप क्यों अपनी लैंग्वेज चेंज करते हो? आप अपना मीडियम चेंज करो, हिंदी से इंग्लिश आपको समझ नहीं आएगी। जिंदगी भर आपने हिंदी पढ़ा, आप लास्ट टाइम में आप तैयारी के समय इंग्लिश पढ़ोगे, आप कभी क्रैक नहीं कर पाओगे, आप बहुत लास्ट पर जाओगे, अटक जाओगे। तो बेस्ट होगा आप मीडियम ना चेंज कीजिए, तैयारी कीजिए। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये भी है कि हिंदी मीडियम का मटेरियल ना अवेलेबल होना, ये भी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो प्लीज आप लोग हिंदी मीडियम में तैयारी कीजिए, मैं आपको वो मैटर प्रोवाइड कराऊंगा नीट के तैयारी के लिए। हिंदी मीडियम में पूरा क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट, वीडियो लेक्चर फुल्ली हिंदी मीडियम में होंगे। अपने देश में कहीं कहीं हिंदी मीडियम में भी तैयारी कराई जा रही है, बट इतनी ज्यादा फीस है कि सारे बच्चे पे नहीं कर सकते हैं और बहुत कम है। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा हूँ हिंदी मीडियम की तैयारी करने के लिए। आप जेई और नीट की तैयारी 11 से ही फाउंडेशन शुरू कर दीजिए हिंदी मीडियम में, और आप 2 साल में आप जेई प्लस नीट दोनों क्वालिफाई करके आओगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप बेस्ट कर सकते हो, आप अपने माध्यम को बनाओ। तो जो आपकी स्ट्रांगेस्ट पॉइंट है, हिंदी आपका स्ट्रांगेस्ट पॉइंट है ना, तो आप हिंदी में ही तैयारी करो। क्या पेपर नहीं आता हिंदी में? हिंदी में पेपर आता है, तो आप क्यों नहीं तैयारी करते, क्यों इंग्लिश मीडियम में भागते हो? जब सुविधाएं नहीं थी जाते थे, अब मैं सुविधाएं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप हिंदी मीडियम में तैयारी करो, फाउंडेशन हिंदी मीडियम में शुरू कर दो, आप बेस्ट करोगे। इस यूट्यूब चैनल पर आपको, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप देख रहे हो प्री मेडिको, इस पर सारे डॉक्टर ही आपको पढ़ाएंगे हिंदी मीडियम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पढ़ाएंगे, ओके। एंड हमारा एक ऐप है प्री मेडिको नाम का ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहां पर टाइप करके आप ले सकते हो इसको। प्रीमेट को ऐप गूगल प्ले स्टोर पर ये है, वहां पर आपको कंप्लीट सारे वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट, सारी चीजें अवेलेबल है इस ऐप पर। हम अभी तक इस पर इंग्लिश मीडियम का सारे नोट्स और वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा कि हम इस ऐप पर हिंदी मीडियम के भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएं, ओके। हम इस पर वो चीजें करेंगे, क्योंकि मैं एक लक्ष्य लेकर चला हूं कि मैं हर गरीब बच्चे को ये हायर शिक्षा डॉक्टर या इंजीनियर बनाऊंगा, और ये बिना हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किए ये इम्पॉसिबल है। तो हम इस ऐप पर हिंदी मीडियम में शॉर्ट नोट, वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन बैंक, सारी चीजें हम अवेलेबल करवा देंगे। बच्चों आप ये यूट्यूब चैनल्स और ये प्रीमेड को दो चीजों को अपना बेस बना लो, आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बन जाओगे। आप जो होगा मेहनत मैं कर रहा हूं, मेरे साथ आप थोड़ा मेहनत कर लो, बेस्ट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है दोनों चीजों को मुझे वर्कअप करने के लिए, बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो सारी चीजें मैं अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो हिंदी मीडियम में ही। आप इंग्लिश मीडियम में जाने का आवश्यकता नहीं है तैयारी करने के लिए, आप हिंदी में ही सारी चीज तैयारी कीजिए। और कुछ बच्चों के मैं
यहाँ पर सक्सेस स्ट्रेटजीज जो सफल हुई है हिंदी मीडियम से, उनके यहाँ पर इंटरव्यू में याद दिलाऊंगा, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन मिल सके कि हिंदी मीडियम में भी तैयारी की जा सकती है। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं नीट हिंदी मीडियम क्रैक करके, हिंदी मीडियम में तैयारी कर नीट क्रैक किया है, वो बच्चे आएंगे आपको बताएंगे कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों कंटिन्यू हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि हिंदी मीडियम में ये इस ऐप पर अवेलेबल है सारी चीजें आपको प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।